देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका हरियाणा बुलेटिन में, मैं हूं फरजान। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की खास खबरों पर। हरियाणा सरकार ने मोचियों को दिया तोहफा, मिलेंगे 50,000 रुपए। टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी पर सरकार ने कसी नकेल, प्राइवेट कंपनी को दिखाया बाहर का रास्ता। 108 दिन से गायब है बारहवीं की छात्र, बेटी के गायब होने पर पिता ने की बिजली का तार पकड़ जान देने की कोशिश। हरियाणा में मारकंडा और यमुना नदी में उफान, सैकड़ों एकड़ फसलें जलमग्न, भारी बारिश की चेतावनी। एक गांव में 200 में से आधे से ज्यादा किसान करते हैं मधुमक्खियों का पालन और शहद की खेती। चरित्र पर शक के चलते बेटे ने माँ और मौसी पर किया रॉड से हमला, मौसी की मौत, माँ जख्मी। क्या सुलझेगा SYL का मुद्दा, अब CM मनोहर लाल का बड़ा बयान, बोले केंद्र की पहल का इंतजार। बिजली निगम में 14 करोड़ के घपले के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। अम्बाला में बस और कार की टक्कर, करनाल के 2 युवक की मौत, 15 लोग घायल। हरियाणा में आफत की बारिश से 3 की मौत, अम्बाला में बाढ़ जैसे हालात, कंट्रोल रूम स्थापित। हरियाणा की खास खबरों में आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए नेशनल न्यूज़। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।